सो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी जीएम अगेन एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर सभी को वेलकम। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की गेम में जो हम लोगों ने पेला है एंड तक देखिएगा आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो हम लोगों ने पीक के ऊपर लैंडिंग करी है, तो अभी भी कोई भी बंदा पहली बार है चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, बिल नोटिफिकेशन ऑल के ऊपर करके वीडियो को लाइक कर देना। UMP मिली थी हम लोगों को यहाँ से और साथ में MP5 के साथ एक ओके। यहाँ पे जो बंदा लैंड होके आया था वो तो भाई गया। यहाँ से हम लोग यूज करते हैं भाई इसको, क्या बोलते हैं, ग्लीडर। ग्लीडर का ऑप्शन देखे ग्रीनर ने काफी अच्छा काम किया है, तो इस पे एप्रिशिएट करना बनता है भाई। एक और यहाँ पे बंदा, ये पिटेगा भाई लिटरली। उसके पास गन जो है ना लॉन्ग रेंज का था, अगर उसके पास शॉर्ट रेंज का होता तो तकरीबन मेरे को लग रहा था कि हम लोगों को ले जाना था। तो यहाँ पे भाई हम लोग इसके साथ कर रहे थे थोड़ा मजाक मस्ती, क्योंकि ये रिवाइव का बोल रहे थे और हम लोग रिवाइव कर नहीं रहे थे, बट कोई ना यहाँ पे रिवाइव करा दिया। दो किल हम लोगों ने अर्ली ले लिए, MP5 दो चिप के साथ मौजूद है। साथ में हमारे पास है भी प्राफिल भाई, इस टाइम जो चल रहा है बेस्ट ऑफ बेस्ट चल रहा है इस रैंक सीजन के अंदर। मैं शुरू में ग्लीडर की बात कर रहा था कि ग्रीनर को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ग्रीनर जब भी कोई बकवास चीज लेके आती है तो काफी सारे लोग उसके ऊपर कॉमेंट कर रहे होते हैं कि ये तो अच्छा नहीं है। भाई कितना भागेगा ये वाला बंदा, कितना भागेगा ये वाला बंदा। चार शॉट इसको पहले लगे, उस साइड से जा रहा है, उस साइड, बट कोई ना यहाँ पे एंड पे जो हेडशॉट लगा है मस्त लगा है, पिट गया है भाई। इसके साथ तीसरा किल भी हम लोगों ने यहाँ पे पीक पे कर लिया है, डन। अगेन हम अपनी जो ग्लिटर वाली बात थी ना वो मिडल के अंदर रह गई, बीच में रह गए थे कि मैंने ये बोला है कि ग्लिटर पे आप लोगों को ग्रीना को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि जब ग्रीना कोई बकवास चीज लेके आती है तो काफी सारे लोग उस पर कॉमेंट कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं ग्रीना को बुरा भला। तो अभी अच्छा भी बोलने का समय आ चुके हैं, मुझे लगता है इस अपडेट में ग्रीना काफी बेहतरी करी है भाई। ये लोग पहुंच गए भाई ऊपर, यहाँ से कैसे हम लोग मिशन कंप्लीट करके वापस चलते हैं, तो वहां से आगे का वीडियो आप लोगों ने एंजॉय करना है लाजमी से। तो भाई हम लोगों ने यहाँ पे मिशन कर लिए थे कंप्लीट और नीचे की साइड बंदे एक लीडर लेके दोबारा से हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। किधर गया चलो सिग्मा को, यहाँ पे सिग्मा हेयर का किल अपने को मिला है, दूसरा किल जिसने हम लोगों ने जिसको नॉक करा था वो आई थिंक किल चोरी हो चुके हैं। और तीसरा बंदा भी यहाँ पे नॉक है, एक और बंदा शायद से नीचे की साइड से आ रहा है, ये पिटेगा। ये लो मैंने बोला है ना किल चोरी हो गया। ओके ये बंदी सिर्फ एक गोली की है जो कि नीचे की साइड रिवाइव के लिए। चलो यहाँ पे स्वीटी का किल लिया है, स्वीटी का नॉक एंड फिनिश लेने के बाद थोड़ा सा मैंने कहा रेस्ट कर लेते हैं, इतना ज्यादा गेम खेला है तो अपना रेस्ट बनता था। बट ऊपर वाले बंदे थोड़ा सा खुश हो रहे थे कि ये बंदा इतना जल्दी रेस्ट क्यों कर रहा है, अभी तो 6 ही किल लगे हैं। इनको पता था कि नीचे वाला प्लेयर हैकर है भाई, हैकर इतना जल्दी रेस्ट के लिए मानता नहीं है। यहाँ पे लॉबी काफी अच्छी आई थी, अगेन ग्रैंड मास्टर के कुछ प्लेयर आए हुए थे और जितने हम लोगों ने किल करे इनमें से तकरीबन कोई 8 से 10 बंदों ने हम लोगों को रिक्वेस्ट भी भेजी है। तो अगेन यहाँ पे वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करिएगा। अगर आई थिंक इस बंदे के पास स्नाइपर है, बट ये स्नाइपर वाला पिटेगा भाई, इसको पता नहीं है कि सामने वाले प्लेयर की गेम किस लेवल के ऊपर है। इसने शॉट पहले एक जरूर मारा था स्नाइपर का, एक और बंदा गाड़ी पे। ओके पानी आया है यहाँ पे गाड़ी लेकर रश के लिए भाई, शॉट अच्छा मारा है बंदे ने। अगर हमारे पास लेवल 4 की वेस्ट और 5 का हेलमेट नहीं होता तो लिटरली इस बंदे ने अपने को ले जाना था, क्योंकि आधी से ज्यादा HP ये वाला बंदा ले गया था, सिर्फ वेस्ट और हेलमेट की वजह से बचे हैं। और इसके साथ हमारे 7 किल भी यहाँ पे डन हो चुके हैं। जिस बंदे को पहले स्कार का हेडशॉट मारा था वो बंदा भाग गया भाई, एक और बंदा यहाँ पे शायद शॉप पे रिवाइव करने गया है, वही बंदा जिसको हमने अभी मारा है। तो हवा से देखते हैं ये भाई क्या गुंडा बनेगा भाई, ऐसे बंदों के लिए भाई बदमाशी दिखा रहे होते हैं भाई। एक और अच्छा हेडशॉट, वड़ गया भाई। ओ भाई इसने तो नाम भी M187 रखा हुआ, यानी कि इसको लगा था कि ये अच्छा गन चला लेता है 187, तो इसने नाम रखा होगा, अदरवाइज तो नहीं ना रखते ऐसा कोई नाम। इसके साथ 9 किल डन है, बट इसको पता नहीं था। अगेन रिपीट नहीं करना चाहूंगा मैं अपने वर्ड्स को, क्योंकि वर्ड्स की कीमत तो यहाँ पे बहुत ज्यादा महंगी होती है, जिसको चुकाने में इंसान को सदियां गुजर जाती है, बट अल्फाज की कीमत इंसान चुका नहीं पाता। बट है इस बात को इग्नोर यहाँ पे करते हैं और सामने की साइड चलते हैं, क्योंकि उधर भी बंदे हैं मेरे को लग रहा है। अभी 9 किल
ओके, वे बंदा काफी डैमेज पड़ा है, बट है ना ऊपर की साइड में बार बार देख रहा था, शायद वो बंदा दोबारा से अपनी बदमाशी का लेवल एंड करने के लिए ना है, क्योंकि बदमाशों को थोड़ा सा ठिकाने लगाना आता है। ओ भाई, इसको कितने प्यारे हेडशॉट लगे, बट ये बंदा नॉक नहीं हुआ भाई। इतने प्यारे हेडशॉट पे नॉक हो जाना चाहिए। दो हेड लगे हैं, एक 97 और एक 100 का हेड लगा है। ये बंदा इधर ही है। ओके, डेविल एक्स वैली। तो काफी दफा जब हम लोग किल कर रहे थे तो जब जो व्यूअर्स हैं वो बात कर रहे होते हैं कि बॉट लॉबी है भाई। बॉट लॉबी नहीं होती, एक्सपेंशन पैक जो है ना वो डाउनलोड नहीं होते, जिसकी वजह से बंदों की ड्रेसिंग जो है ना ओनली व्हाइट टी शर्ट नजर आ रही होती है। तो इस वजह से लग रहा होता है कि ये बैटल रॉयल खेल रहा है या भाई बॉट लॉबी। हिटेगा अगेन, मैं अपने वर्ड्स को यहाँ पे रिपीट करना चाहूंगा कि ये वही M187 है जिसको हम लोगों ने थोड़ी देर पहले मारा था, बट इसने इसको मस्ती चढ़ी थी भाई, दोबारा रिवेंज लेने के लिए आया था। अगेन बदमाशों को ठिकाने लगाना आता है अच्छे से भाई। ऊपर वाला ऐसे टीममेट सबको ले दे भाई, ऊपर वाला जो है ना ऐसे टीममेट सबको दे। यहाँ पे चेक करो, मैंने कुछ 6 से 7 सुपर मेडिकेट फेंकी थी बट वो उठा नहीं रहे थे भाई। ये चेक कर लो भाई, ऐसे टीममेट किसको नहीं चाहिए होते, जिनको अच्छी लूट नहीं चाहिए होती। पर ना ऐसे ऐसे भिखारी भी मैंने टीममेट देखे भाई, अभी उतरे नहीं भाई, मेरे को गन दे दो, मेरे को मेडिकेट दे दो, मेरे को फलाना दे दो, मेरे को ढिमकाना दो। भाई तू यहाँ पे लैंड करके क्या करने आया है? तो वही सीन है भाई, ऐसे अच्छे टीममेट अपने को भी चाहिए जो भाई खुद की लूट खुद करें और टीममेट से लूट कम ही मांगे। एक और बंदा यहाँ, वो किल तो चोरी हो गया भाई। एक बंदा तो यहाँ पे मौको में है, ये पिटने वाला है भाई। इससे पहले जो बंदे मारे थे ना वो स्पेक्टेट कर रहे थे इस गेम को। गया भाई एमबी टाइगर, एक और साइलेंट बॉय का यहाँ पे किल हम लोगों ने खेल लिया है। शायद इससे पहले भी हम लोगों ने मारा है। 2-13 किल यहाँ पे डन है और 7 बंदे अभी तक लाए हैं अपने स्क्वाड के अलावा, 4 रहेंगे और हम लोग भी अभी टीममेट जो मरा हुआ था उसको रिवाइव करा दिया है। तो बिल्कुल यहाँ पे 4v4 है, अगर यहाँ पे बुइया लेते हैं तो काफी अच्छा प्लस रहने वाले हैं अपना। बाकी गाइस जिसने अभी तक यूट्यूब पे फॉलो नहीं करा तो वहां पे फॉलो कर लो, क्या कर रहे हो तुम लोग। ओके, यहाँ पे मौसम ट्रक किस कार से फाड़ दिए इन लोगों का। एक गया, लॉन्चर की बात करी है मैंने। ओके, स्किल लॉक है दोनों प्लेयर्स की, आकर ये बंदे रश के लिए आते हैं तो पिटेंगे। इस साइड वाले को पकड़ते हैं क्योंकि ये ओके, ओनली बॉडी स्प्रे गया भाई। इनका स्क्वाड ही वाइप यहाँ पे, ओपी लेजेंड का स्क्वाड वाइप करते 15 किल हम लोगों ने निकाल लिए। 2 टीममेट को इन लोगों ने नॉक करा। काफी सारे बोल रहे होते हैं भाई भाई हेडशॉट भी कोई चीज होती है, लेकिन समझा करो भाई, हर जगह पे हेडशॉट नहीं मारने होते। अभी फोकस करना होता है कि सामने वाले की स्ट्रेटजी क्या रहती है और आप लोगों को कहाँ पे कौन सा शॉट मारना है। मेन चीज होती है भाई किल के साथ बुइया लेना, बाकी हेडशॉट वगैरह अगर जिसने भाई करना होता है, हेडशॉट मारना होता है, देखना होता है, तो उनसे मेरी ये सिंपल गुजारिश है कि भाई कस्टम रूम देख लेना। क्या भाई यहाँ पे बहुत प्यारे हेडशॉट लगे, हेडशॉट की बात हो ही रही थी। लास्ट प्लेयर ओके, ओनली खोपड़ी तोड़ हेडशॉट और डेविल का किल कर पा। लिटरली यहाँ पे लास्ट में हम लोगों ने 1v4 करा, 13 पे 8, 4 अलाइव थे तो 4 किल हम लोगों ने लिए। 17 किल पे भैया डन हो चुके हैं। लाइक एंड शेयर मार दो, यूट्यूब पे देख लो, सब्सक्राइब कर लेना, बिल नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना।